वर्ष 2013 में बैतूल विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई का कुल रकबा केवल 8000 हेक्टेयर तक सीमित था। सिंचाई के साधनों की कमी से किसान साल में केवल एक बार ही फसल उगा पाते थे। विधायक श्री खंडेलवाल ने इस गंभीर विषय को लेकर मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान से विस्तार में चर्चा की। मुख्यमंत्री जी ने इसे भी प्रमुखता से लेते हुए बैतूल विधानसभा को दर्जनों छोटे बड़े बांधों की सौगात दे दी, जिससे साल 2013 की तुलना में आज महज 5 साल के अंदर बैतूल विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई का रकबा 8000 हेक्टेयर से बढ़कर 40000 हेक्टेयर पर पहुंचा है, जो किसानों की समृद्धि की एक शुरुआत भर है। बैतूल विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए 383 करोड़ की लागत से पारसडो बांध का निर्माण करवाया गया है, जिससे बैतूल विकास खंड के 6 गांव और आठनेर विकास खंड के 10 गांवों तक सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिलेगा। पारसडो के अलावा बड़े बांधों की इस श्रृंखला में गढ़ा, घोघरी, निरगुड़ और नागझिरी की भी आधारशिला रखी जा चुकी है। इन वृहद सिंचाई परियोजनाओं के पूरा होते ही बैतूल विकास खंड में गढ़ा डैम से 14 गांव, घोघरी से 42 गांव, नागझिरी डैम से बैतूल विकास खंड के 6 गांव को सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिलेगा। नागझिरी डैम की नहर का काम पूर्ण हो चुका है। वहीं छोटी सिंचाई परियोजनाओं के तहत ग्राम चौकी कोलगांव, चोरनी, सरंडई, बीजासनी, जामगांव, हीवरा, जूनावानी, डमरी पंडोल, माजरे घोगरा के किसान लाभान्वित होंगे। हम पारसडो डैम पे खड़े हैं। ये डैम लगभग 20000 हेक्टेयर का है। ये पूरे जिले में किसानों की समृद्धि की शुरुआत है। इससे पहले मेरी विधानसभा में कुल 7000 हेक्टेयर में पूरे डैम मिला के सिंचाई होती थी, लेकिन अब ये पारसडो के बाद घोघरी, इसके बाद में मेंढा, निर्गुण, गढ़ा और ऐसे कई डैम हम बनाने जा रहे हैं और आने वाले समय में मेरी विधानसभा मात्र में 40 से 45000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। मैं समझता हूँ कि आने वाले 5-10 सालों में हम डैमों की ऐसी श्रृंखला खड़ी कर देंगे कि बैतूल का हर किसान पानी के मामले में आत्मनिर्भर रहे और सिंचाई के लिए उसे डैमों का पानी मिल सके। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है।